उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने दिनेशपुर गदरपुर चक्की मोड़ में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। जनसभा स्थलों पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी का जनता से जोरदार स्वागत किया। उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर 19 तारीख को चुनाव है। चुनाव से पहले प्रकाश जोशी आज गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चक्की मोड़ दिनेशपुर गदरपुर में चुनावी जनसभा की और आम जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। कहा कि एक बार मुझे मौका दीजिए, यदि मैं आप लोगों के आशीर्वाद से जीतता हूँ तो 24 घंटे आपकी सेवा करता रहूँगा। भाजपा के वर्तमान प्रत्याशी अजय भट्ट केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उनके नाम का गदरपुर विधानसभा के क्षेत्र में विकास के नाम का कोई भी पत्थर नहीं लगा हुआ है। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान सांसद महोदय द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया, लेकिन क्षेत्र खाती भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं। इस बार मुझे वोट दें, मैं क्षेत्र में विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। 24 घंटे आपकी सेवा में रहूंगा कि आप लोगों में हमेशा आपकी सेवा में। मैं पार्टी के संगठन में काम करता रहा आज तक और ईमानदारी से काम किया। मैं आपको इतना जरूर वादा करूंगा कि आपका आशीर्वाद मिलने के बाद हम इस चुनाव को जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। और जीतने के बाद आपको कभी ये पछतावा नहीं होगा कि आपने गलत व्यक्ति को चुनकर भेजा। आपको निराशा नहीं होगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।